बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज के व्लॉग करते हैं ये शुरू। गांव में आया हूँ तकरीबन रात में, हाँ 9:45 पहुँचा था अपने इधर बाईपास पे। तो आना तो सुबह था लेकिन रात की मैंने छुट्टी ले ली थी उस्ताद जी से, क्योंकि छुट्टी मेरी आज बुध से शुरू होनी थी और जुमा शाम तक है, क्योंकि बस छुट्टी बहुत कम मिलती है। तो बस अनकरीब ये तकरीबन 3 माह रह गए इस साल को ख़त्म होने में, उसके बाद छुट्टियां होंगी तकरीबन 2.5 महीने की। तो भाई अब्बा जी को बाइक देने आया था, क्योंकि बाइक लेके मैं शहर गया हुआ था, तो वहां से कुछ सामान लेके आया था, वो भी आप दोस्तों को भी, क्यों मैं सीधा इधर आ गया हूं सामान घर पकड़ा के। तो ये शहर से फिश लेके आया था, नमक लगा हुआ था, इसको आते ही धुलवाया मैंने। जो फिश आई है उसको हम अभी मैरिनेट करते हैं, असर का टाइम हो रहा है तो 1 घंटे तक मैरिनेट हो जाएगी, फिर उसको फिर मगरिब के वक़्त उसको फ्राई भी करेंगे हमें। मछली को हमने मसाला लगा दिया है, बस इसको 1.5 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट के लिए, तो फिर इसको फ्राई करेंगे हम। मुझे आज दूसरा दिन ना उकाड़ा से आए हुए को, तो काफ़ी मज़े के गुजरे हैं ये 2 दिन। तो कल वापसी है, छुट्टी ख़त्म हो जाएगी कल को। तो आज मैं सुबह के वक़्त गया था बाहर कुछ चक्कर लगाने के लिए, ये कुछ सीन लिया था बाहर का। जो पौधे हैं उनके ऊपर काफ़ी पानी सा था, क्यों कोहरा पड़ता है, जो बर्फ़ सी होती है सुबह के वक़्त, कोहरा कहते हैं उसको गांव में, वो गिरा था। वो इस पे गिरता है तो वो ये जब सूरज निकलता है तो ये कतरों में बदल जाता है पानी की शक्ल में, तो काफ़ी खूबसूरत मंजर लग रहा था। मैंने कहा आप दोस्तों को ये भी दिखाया जाए, और गाँव की जो माहौल है काफ़ी खूबसूरत होता है तो मज़ा भी आता है। तो बस अभी इसकी हम इसको काम करेंगे, इसकी एडिटिंग वगैरह करेंगे, इसलिए मैंने सोचा इसको अभी ख़त्म करते हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।